अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुलरजाक फर्स्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन। और आज हमने जो लॉन्ग क्वेश्चन करना है उसका नाम है रियल एंड अपेरेंट वेट। सबसे पहले तो हमें रियल एंड अपेरेंट वेट में रियल वेट का पता होना चाहिए कि रियल वेट क्या है। रियल वेट है किसी चीज का वेट जो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हो, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। या फिर आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हो एफ जी इज इक्वल टू जी एम m over r square into minus r unit vector। इन दोनों फॉर्मूला से जो आप वेट कैलकुलेट करोगे, जो फोर्स कैलकुलेट करोगे, वो होगा उस चीज का रियल वेट। वो क्या होगा? वो उस चीज का रियल वेट होगा, ठीक है। जारी बात है, आप r की वैल्यू बढ़ाओगे तो ये कम होगा, या आप g की वैल्यू को कम करोगे तो ये वेट कम होगा, क्योंकि फर्दर आगे जो g है उसका फॉर्मूला भी जी एम ओवर आर स्केयर ही होता है, ठीक है। तो जब आप r बढ़ाओगे तो g कम होगा तो वेट कम होगा, या फिर यहाँ से डायरेक्टली fg की वैल्यू कम होगी। दूसरी बात है कि रियल वेट भी चेंज हो सकता है, लेकिन हमारे पास जो भी इस फॉर्मूले से वेट कैलकुलेट होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे रियल वेट, और इसकी वैल्यू भी चेंज हो सकती है। अब उसके बाद अगली बारी आती है कि अपेरेंट वेट क्या। अपेरेंट वेट है फोर्स required to prevent an object from falling। किसी object को गिरने से रोकने के लिए जो force required होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं apparent weight, ठीक है। और ये जरी बात है, क्या होती है? ये हो reaction की force होती है। For example, अगर मैंने इस मार्कर को अपने हाथ पर रखा हुआ है तो ये मार्कर मेरे हाथ के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है वेट, और मेरा हाथ उसके बराबर ऊपर की तरफ रिएक्शन की फोर्स लगा रहा है, तो वो वेट जो कि रिएक्शन की फोर्स के बराबर है वो क्या है? वो है इसका अपेरेंट वेट, ठीक है। जो जारी बात है, रियल वेट भी हो सकता है, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी थ्री वही आंसर आ सकता है, लेकिन तमाम केसेस में नहीं आएगा। या फिर ये हो सकता है टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो भाई अगर मैं यहाँ पे मार्कर को किसी धागे से बांध लूँ तो उस धागे में जो टेंशन होगी वो उस फोर्स के बराबर होगी जो कि इस मार्कर को गिरने से रोकने के लिए रिक्वायर्ड है। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है वो भी अपेरेंट वेट को देती है। और इसको मेजर करने का तरीका कार क्या है? आप इसको मेजर करते हो स्प्रिंग बैलेंस से। आप इसको किस तरह से मेजर करते हो? आप इसको मेजर करते हो स्प्रिंग बैलेंस से। किस तरह मेजर करते हो? आप इसे स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बता दिया कि रियल वेट क्या होता है और अपेरेंट वेट क्या होता है, और रियल वेट डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी या फिर एम जी इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्केयर से कैलकुलेट होता है। और इसके अलावा जो हमारे पास अपेरेंट वेट है वो स्प्रिंग बैलेंस से फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। अब हमारे पास एक केस स्टडी है, और केस स्टडी के साथ हमने बनानी है एक डायग्राम। केस स्टडी है और साथ होगी डायग्राम। डायग्राम में हम क्या बनाएंगे? हम बताएंगे कि लेट से एक एलिवेटर है, इस एलिवेटर की ये केबल है जिसके साथ ये अटैच है, और यहाँ पे छत के साथ किसी स्प्रिंग बैलेंस के साथ कोई मैस अटैच है, ठीक है। ये मैस है, इसका वेट नीचे की तरफ है, इसे गिरने से रोकने के लिए टेंशन किस तरफ है? वो ऊपर की तरफ है, और यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस इस टेंशन की वैल्यू को यहाँ पे एक रीडिंग देके बता रहा है। और इस सारे एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पे इस जगह के ऊपर कोई ऑब्जर्वर भी मौजूद है, ठीक है। तो इस जगह के ऊपर क्या है? इस जगह के ऊपर यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर भी मौजूद है। तो ये हमें जैसे भी लिख देना कि लेट अस कंसीडर दैट वी हैव एन एलिवेटर इन विच एन ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग द टेंशन मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस दैट इज the apparent weight and the mass of the weight of the mass is w is equal to mg। So that means आपने बताना है कि हमारे पास एक elevator है, elevator के अंदर एक observer है, observer किस चीज को observe कर रहा है? वो एक ऐसे setup को observe कर रहा है जिसमें एक spring balance के साथ एक mass attached है। Spring balance tension T apparent weight measure कर रहा है, और उस object का real weight w है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या कहना है? आपने कहना है कि जो हमारे पास T है वो क्या है? वो है अपेरेंट वेट। ये बात नोट करने वाली है, इसे मैं W अपेरेंट भी कह सकता हूँ, लेकिन जारी बात है कि लिखने में प्रॉब्लम होगी इसलिए T लिखा गया। और जो W है वो क्या है? वो है रियल वेट
और इसे मैं W real भी लिख सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने यहाँ पे इसे किसे रिप्रेजेंट किया, W से रिप्रेजेंट किया, तो ये बात नोट करने वाली है। अब उसके बाद यहाँ पे मैं कहूँगा केस वन। केस वन क्या है? केस वन ये है कि हमारे पास जो एलिवेटर है, एलिवेटर की एक्सेलरेशन कितनी है? एलिवेटर की एक्सेलरेशन जीरो है। इसका मतलब है या तो ये रेस्ट पे है या फिर ये मूव कर रहा है या तो अपवर्ड्स या फिर डाउनवर्ड्स, लेकिन किस तरह से ये मूव कर रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो किस तरह से मूव कर रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इसकी एक्सेलरेशन हुई, इसकी एक्सेलरेशन हुई जीरो। तो अगर इसकी एक्सेलरेशन जीरो है, तो अगर मैं सिर्फ इस ऑब्जेक्ट से बात करूं कि ये ऑब्जेक्ट जो है, अगर इसकी एक्सेलरेशन जीरो है, तो इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाली जो नेट फोर्स है वो किसके इक्वल होगी? वो जीरो के इक्वल होगी। तो भाई अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हमारे पास जो सिग्मा एफ वाई है वाई डायरेक्शन में, वो जीरो नहीं है, वो जीरो के इक्वल है, तो उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लगने वाली जो नेट फोर्स है वो भी किसके इक्वल हुई? वो जीरो के इक्वल हुई। और इसके अलावा यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ये दो फोर्सेस का सम है, अपवर्ड फोर्स टेंशन और डाउनवर्ड फोर्स वेट, और इन दोनों का सम किसके इक्वल है? जीरो के इक्वल है। तो अपवर्ड फोर्स टेंशन और डाउनवर्ड फोर्स वेट ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका डिफरेंस जीरो होगा, वेक्टर सम जीरो होगा, और टेंशन जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? टेंशन की वैल्यू वेट के इक्वल आ जाएगी। इसका मतलब है अपेरेंट वेट और रियल वेट आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसका नतीजा ये हुआ कि जो वेट आप डब्ल्यू इक्वल टू एम जी से निकालोगे या इस फॉर्मूले से निकालोगे, वही वेट स्प्रिंग बैलेंस भी दे रहा होगा। तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग इसके एक्चुअल रियल वेट के बराबर होगी। ठीक है, तो ये हमारा केस नंबर वन है, जिसमें हमने देखा कि जब ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन जीरो होती है, वो या तो रुका होता है या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव कर रहा होता है, तो उस वक्त उसकी टेंशन, दैट मींस अपेरेंट वेट और रियल वेट आपस में क्या होती है? वो इक्वल होती है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट केस है उसकी बात करता हूँ, और वो है केस टू। और केस टू में क्या है? केस टू में है कि हमारे पास एक नेट एक्सेलरेशन है, और वो किस तरफ है? वो है अपवर्ड। एक नेट अपवर्ड एक्सेलरेशन है। इसका मतलब है कि या तो लिफ्ट जो है या जो एलिवेटर है वो क्या कर रहा है? वो गोइंग अप है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और साथ स्पीडिंग में है, दैट मीन उसकी स्पीड बढ़ रही है, या फिर वो क्या कर रहा है? इट इज गोइंग डाउन। ठीक है, एंड इट इज स्लोइंग डाउन, नीचे की तरफ आ रहा है, और क्या कर रहा है? स्लो डाउन कर रहा है। तो या तो मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ ले जाते हुए स्पीड अप करूं तो इसकी एक्सेलरेशन अपवर्ड होगी, या मैं इसे नीचे की तरफ लाते हुए रोक दूं तो भी इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? अपवर्ड होगी। तो इन दोनों केसेस के लिए मैं यहाँ पे अपवर्ड एक्सेलरेशन का वर्ड यूज कर रहा हूँ। और इसकी जो डायग्राम बनानी है, वो डायग्राम किस तरह से बनाएंगे? डायग्राम में हम ये शो करेंगे कि लेट्स से ये एलिवेटर है, और इस एलिवेटर में यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस है टायर से पहले की तरह, और यहाँ पे है मैस, और इधर क्या है? इधर है वेट, और यहाँ पे है टेंशन टी। लेकिन अब आप देखोगे कि स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर जो रीडिंग है वो पहले से ज्यादा आएगी। ठीक है, और यहाँ पे ये केबल है, और ऑब्जर्वर बना दीजिए, लेट्स से ये ऑब्जर्वर है, ये हमारे पास ऑब्जर्वर है जो कि अब क्या कह रहा है, जो कि अब एक्सेलरेट अपवर्ड कर रहा है। इसका मतलब है अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की बात करूं, तो अब चूंकि टेंशन की वैल्यू ज्यादा है और वेट की वैल्यू कम है, तो इस हिसाब से जो हमारे पास नेट एक्सेलरेशन आएगी वो किस तरफ आएगी? वो आएगी नेट फोर्स और नेट एक्सेलरेशन, वो अपवर्ड होगी। तो भाई यहाँ पे तो था ना कि जितनी टेंशन है उतना ही वेट है, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो नेट फोर्स जीरो आ रही है, लेकिन यहाँ पे टेंशन ज्यादा है और वेट कम है, तो इस वही बात है कि यहाँ पे रीडिंग बड़ी है, तो इसका मतलब है टेंशन ज्यादा हुई है, वेट डब्ल्यू तो एक्चुअली चेंज ही ना हुआ। तो ये हम बात कर चुके। अब उसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है कि अगर मैं इस जगह के ऊपर लिखूं कि हमारे पास जो नेट फोर्स है सिग्मा एफ वो अब जीरो नहीं है, इसी हिसाब से जो हमारी नेट फोर्स है वो भी जीरो नहीं है, तो नेट फोर्स फिर किसके बराबर है? जो नेट फोर्स है ये टेंशन माइनस वेट के इक्वल है। किसके इक्वल है? ये टेंशन माइनस वेट के इक्वल है। टेंशन में से वेट निकालो तो नेट फोर्स आ जाएगी, जो कि इस मैथ के ऊपर एक्ट कर रहा है, मैं पूरी लिफ्ट की बात नहीं कर रहा। तो अगर मैं अब यहाँ पे लिखूं टेंशन, तो टेंशन क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी वेट प्लस नेट फोर्स।
तो इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 2a कह लेता हूँ। तो इससे मुझे ये पता चला कि हमारे पास जो अपेरेंट वेट है जो कि टेंशन के इक्वल होता है और जो रियल वेट है उनमें क्या रिलेशन हुआ कि रियल वेट में नेट फोर्स ऐड करो तो अपेरेंट वेट आता है, तो दैट मींस अपेरेंट वेट रियल वेट से क्या हुआ ज्यादा हुआ। इस केस में आपको चीज ज्यादा भारी फील होगी, इसी वजह से जब आप सामान उठा के सीढ़ियां चढ़ते हो या किसी हाइकिंग पर जाते हो पहाड़ के ऊपर जाते हो तो उस वक्त आपको वो चीज ज्यादा भारी फील होती है क्योंकि आप हर स्टेप के साथ उसे ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहे होते हो और नीचे की तरफ आते हुए लाइट क्यों लगता है क्योंकि नीचे की तरफ आते हुए आप डाउनवर्ड बार बार एक्सेलरेट करते हो, रुकते भी हो लेकिन एक्सेलरेट भी करते हो, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दूं तो ये बन जाएगा T इक्वल टू एम जी और ये बन जाएगा एम ए। इस इक्वेशन को आप मैं लेट टू बी कह लो, फिर उसके बाद इस इक्वेशन को लिखता हूँ कि T इक्वल टू एम कॉमन तो क्या बन गया जी प्लस ए। तो ये इक्वेशन कौन सी है, ये 2C इक्वेशन है। और अगर मैं यहाँ पे इस जगह के ऊपर जी भी कॉमन निकालूं तो क्या बनेगा, ये बनेगा एम जी इंटू वन प्लस ए ओवर जी। ये इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन 2D है, ठीक है। और फर्दर मैं यहाँ पे जो एम जी है उसको क्या लिख सकता हूँ, उसको वेट भी लिख सकता हूँ। या फिर ये बन जाएगा टेंशन T इज इक्वल टू W इंटू वन प्लस ए ओवर जी, दिस इज इक्वेशन 2B, ठीक है। सो अब मैं एक स्पेशल केस लिख रहा हूँ, वो स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस है कि लेट से हमारे पास ये जो लिफ्ट है ये यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रही है और ऊपर की तरफ इसकी एक्सेलरेशन कितनी है 9.8 मीटर पर सेकंड के इक्वल है, दैट मीन ये एक्सेलरेशन जी के इक्वल है, एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, जी के इक्वल है। जबकि एक सेकंड में वेलोसिटी जीरो थी, अगले में 9.8, उसके अगले में 19.6, फिर 27.4, तो इस तरीके से वेलोसिटी बढ़ रही थी कि हर सेकंड में एक्सेलरेशन जी के बराबर थी। तो अब टेंशन क्या होगी, अब टेंशन बन जाएगी टी इज इक्वल टू डब्ल्यू वन प्लस ए ओवर जी, ये कट जाएंगे क्या बनेगा टी इज इक्वल टू डब्ल्यू वन प्लस वन और आंसर किसके इक्वल आएगा 2W के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्प्रिंग वेट मेजर करेगा और जो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी से आएगा, उनका रिलेशन ये होगा कि एम जी से आने वाले वेट को 2 से मल्टीप्लाई करो तो स्प्रिंग बैलेंस आने वाला वेट बनेगा। तो ये हमारा जो है वो केस नंबर 2 है। अब मैं बात करता हूँ किसकी, अब मैं केस नंबर 3 की बात करता हूँ। और केस नंबर 3 क्या है कि हमारे पास इस ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन है लेफ्ट की एक्सेलरेशन किस तरफ है, वो डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि जो हमारी लिफ्ट है या जो एलिवेटर है वो क्या कर रहा है, वो स्पीड अप कर रहा है, इट इज स्पीडिंग अप, लेकिन कब, व्हेन गोइंग डाउन, जब नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे की तरफ जाते हुए स्पीड पकड़ रहा है, या फिर इट इज स्लोइंग डाउन, और ये स्लो डाउन कब हो रहा है, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स गोइंग अपवर्ड। तो अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो स्लो डाउन हो रहा है, ठीक है, और अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो स्पीड पकड़ रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि इसकी एक्सेलरेशन किस तरह का, इसकी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। तो अब अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम इसकी किस तरह से बनेगी कि हमारे पास ये लिफ्ट है, जैसे केबल है, यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस मौजूद है, स्प्रिंग बैलेंस के साथ पहले की तरह वही मैस अटैच है, मैस का वेट डाउनवर्ड है, टेंशन अपवर्ड है, लेकिन अब जो इस पे रीडिंग आएगी वो इस रीडिंग से भी कम होगी, ठीक है। और ऑब्जर्वर जो है वो बना देते हैं यहाँ पे, अब जारी बात है कि इस ऑब्जेक्ट की मैं बात करूं तो यहाँ पे चूंकि इस पे नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो इसकी नेट फोर्स किस तरफ है, इसकी नेट फोर्स नीचे की तरफ है, तो नतीजा क्या होगा कि यहाँ पे वेट की वैल्यू ज्यादा होगी और टेंशन की वैल्यू कम होगी। तो जब आप वेट में से टेंशन निकालोगे तो नेट फोर्स आ जाएगी, तो इस हिसाब से अगर आपने नेट फोर्स लिखनी हो तो नेट फोर्स कैसे आएगी, वो आएगी वेट माइनस टेंशन के। अगर आप कहोगे नहीं जी अपवर्ड वाली फोर्सेस पॉजिटिव और नीचे की तरफ वाली नेगेटिव लिखनी है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ऊपर की तरफ वाली फोर्स लिख देता हूँ पॉजिटिव, नीचे वाली लिख देता हूँ नेगेटिव, और क्योंकि नेट फोर्स भी नीचे की तरफ और नेगेटिव है उसके साथ भी क्या लिख देता हूँ, उसके साथ भी यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ, उसके साथ भी क्या करता हूँ माइनस लिख देता हूँ। अब आप माइनस कॉमन निकाल के काट दोगे तो इक्वेशन वही बननी है, एफ नेट इज इक्वल टू वेट माइनस टेंशन। तो अगर मैं टेंशन उस तरफ ले जाता हूँ तो ये बनेगा टी प्लस नेट फोर्स इज इक्वल टू वेट, या फिर टी इज इक्वल टू
वेट माइनस नेट फोर्स, ये इक्वेशन है 3A। अब आप लोग जानते हो कि अगर मैं इसे अपेरेंट वेट लिखूं और इसको लिख दूं रियल वेट, तो भाई रियल वेट के अंदर से आप नेट फोर्स निकालोगे तो टेंशन आएगी, इसका मतलब है टेंशन हल्का फील होगा। अब आपको ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये हल्का फील होगा, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे मजीद इसमें वैल्यूज पुट करता हूँ फॉर्मूले के अंदर, ये बनेगा टी इज इक्वल टू एम जी और ये बनेगा एम ए। ये क्वेश्चन कौन सी है, ये क्वेश्चन 3B है। अगर मैं m कॉमन निकालता हूँ तो ये बन जाएगा एम जी माइनस ए, ये क्वेश्चन है 3C। और अगर g भी कॉमन निकालता हूँ तो ये बनेगा एम जी इंटू वन माइनस ए ओवर जी, दैट मीन्स दिस इज इक्वेशन 3D। और अगर मैं इसे लिख लूँ टी इज इक्वल टू डब्ल्यू वन माइनस ए ओवर जी, तो इक्वेशन बन जाएगी 3E। तो ये हमने बात कर ली, ठीक है जी। अब उसके बाद है एक स्पेशल केस, स्पेशल केस ये है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो फ्री फॉल के अंदर है, दैट मीन्स लिफ्ट की रस्सी टूट गई है यहाँ से और लिफ्ट गिर रही है नीचे, और लिफ्ट इस बात में पाकिस्तान की कोई सेफ्टी मैकेनिज्म भी नहीं है, मीनार पाकिस्तान में लिफ्ट गिरी थी एक दफा, ठीक है, उसमें लोग मारे थे। तो अगर इस तरह की केस है तो जारी बात है कि फ्री फॉल के अंदर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन लिफ्ट की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगी, ठीक है। और जब आप यहाँ पर किसी भी फॉर्मूले के अंदर उसकी वैल्यू पुट करोगे, लेट से यहाँ पे पुट करता हूँ, तो ये बनेगा टी इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू वन माइनस ए ओवर जी, जिसमें ये दोनों वैल्यूज कट जाएंगी और ये बनेगा डब्ल्यू इंटू वन माइनस वन, तो आंसर कितना होगा, आंसर होगा 0। तो उस वक्त यहाँ पे इस जगह के ऊपर टेंशन दैट मीन्स अपेरेंट वेट किसी भी चीज का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। सो लिफ्ट के अंदर भी सोचे हल क्या होगी, लिफ्ट के अंदर सोचा ये होगी क्योंकि रस्सी तो टूट चुकी है और लिफ्ट गिर रही है नीचे की तरफ और टेंशन हो चुकी है 0, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे इस जगह के ऊपर ये मैथ अटैच है और इस वाले मैथ के लिए नेट फोर्स वेट के कुल आ चुकी है और टेंशन कितनी हो चुकी है, टेंशन 0 हो चुकी है। इसका मतलब है यहाँ पर टेंशन की वैल्यू कितनी है, 0 है, और जो वेट है, वेट वाली बात है उतने का उतना ही रहेगा। तो स्प्रिंग वाले के ऊपर जो रीडिंग आ रही होगी वो क्या होगी, वो 0। इवन ये होगा कि आप इस जगह के ऊपर देखोगे कि ये रस्सी में बेंड आने शुरू हो जाएंगे, अगर बाकी एक्चुअल केस हो तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये रस्सी ढीली हो जाएगी, ठीक है। तो स्प्रिंग बैलेंस है वो हो सकता है कि किस तरह बेंड होके इधर आ जाए और उसके ऊपर जो टेंशन की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी, और इधर रस्सी से हो सकता है कि जो मैथ है वो इधर उठता फिरे, ठीक है। तो जो ऑब्जर्वर है हो सकता है कि ऑब्जर्वर भी यहाँ पे इस तरह से उठता फिर रहा हो, ठीक है। तो अगर कोई चीज नीचे की तरफ गिर रही होगी तो अंदर मौजूद चीजें और लोग उड़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि टेंशन या फिर अपेरेंट वेट क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। अब जरा देखिए कि मैं मार्कर की बात करता हूँ, मार्कर आपके सामने है, अगर मैं एकदम से यहाँ पे इसका हाथ नीचे खींच लेता हूँ तो मार्कर क्या होता है, मार्कर एक लम्हे को हवा में आता है। तो अगर मेरा हाथ और मार्कर एक साथ एक ही एक्सेलरेशन के साथ नीचे गिरे तो मुझे लगेगा कि मार्कर उड़ रहा है, ठीक है। तो ये काम यहाँ पे होगा कि लिफ्ट भी गिर रही है, ये ऑब्जेक्ट भी गिर रहा है, ऑब्जर्वर भी गिर रहा है, तो आपको लगेगा कि आप उड़ना शुरू हो गए अगर आप ऑब्जर्वर हो, ठीक है। तो ये बात होगी। अब एक और स्पेशल केस है, और ये स्पेशल केस क्या है, ये स्पेशल केस ये है कि आपने इस रॉकेट के इसके ऊपर रॉकेट इंजन लगा दिया और ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है और इसकी एक्सेलरेशन अब जी से भी क्या हो चुकी है, डबल हो चुकी है, इसकी एक्सेलरेशन जी से भी डबल हो चुकी है, ठीक है। सो अब क्या होगा, अब इक्वेशन बन जाएगी टी इज इक्वल टू वेट इंटू वन माइनस ए ओवर जी, इक्वेशन बन जाएगी टी इज इक्वल टू डब्ल्यू वन माइनस टू जी ओवर जी, दैट मीन्स दिस इज वेट इंटू वन माइनस टू, दैट मीन्स टेंशन इज इक्वल टू माइनस वेट, टेंशन माइनस वेट के इक्वल है। इस बात का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई सूरत हाल ऐसी है कि आपके पास एक लिफ्ट है और इस लिफ्ट के ऊपर आपने यहाँ पे इस जगह के ऊपर कोई रॉकेट बूस्टर लगा दिया है और ये रॉकेट बूस्टर इसको नीचे की तरफ गिरा नहीं रहा बल्कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन से भी ज्यादा फिलहाल इसके लिए डबल एक्सेलरेशन दे रहा है, तो नतीजा क्या होगा, नतीजा ये होगा कि आपको ये ऑब्जर्वर, ठीक है, आपको ये ऑब्जर्वर
खड़ा मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पे इस जगह के ऊपर स्प्रिंग बैलेंस जो है वो हो सकता है आपको इस तरह पड़ा हुआ मिले, और जो वेट है वो वेट आपको यहाँ पे इस जगह से ऊपर मिले, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे टेंशन तो सारी बात अभी मेजर नहीं होगी, ये टेंशन वेट के बराबर तो तब होती है अगर मैं स्प्रिंग बैलेंस यहाँ जोड़ देता फर्श के साथ, ठीक है, तो अब हमारा जो वेट है वो ऊपर की तरफ हैंग हुआ होता, ठीक है, और जो हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस है वो अब ये वाली रीडिंग दे रहा होगा जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पर बनाई थी, लेकिन अब ये तमाम मैथ जो है ये ऊपर की तरफ हैंग हो रहा होता, क्यों, क्योंकि अब इसकी एक्सेलरेशन जी से भी डबल है, तो आप छत पे चल सकोगे। इस एग्जांपल ऐसे है कि अगर मैं इस मार्कर को यहाँ से ड्रॉप करता हूँ और हाथ को इस कदर तेजी से नीचे लेके आता हूँ कि मार्कर से ज्यादा तेज हो, तो मार्कर क्या करता है, वो मार्कर हाथ से चिपका रहता है, ठीक है। तो सेम वैसे ही अगर कोई लिफ्ट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से भी ज्यादा एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आएगी, उसका नतीजा क्या होगा, नतीजा ये होगा कि वहां पे उस जगह के ऊपर वो चीज आपको छत के साथ जुड़ी हुई मिलेगी, और अगर फ्री फॉल है तो चीजें उड़ती हुई मिलेंगी। तो यहां तक मैंने रियल एंड अपेरेंट वेट पढ़ा दिया है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। नेक्स्ट टॉपिक है वेटलेसनेस इन सैटेलाइट एंड ग्रेविटी फ्री सिस्टम। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है और प्रोजेक्टाइल को मैंने क्या किया, प्रोजेक्टाइल को मैंने यहाँ पे इस तरह से ड्रॉप किया है तो वो नीचे की तरफ गिर जाएगा, किस एक्सेलरेशन से, जी के बराबर। टेंशन कितनी होगी, मैं पहले की कैसे बात कर रहा हूँ। अब अगर मैं ये कहता हूँ कि मैंने ऑब्जेक्ट को थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दी है, तो फिर यह क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट इस तरह से गिरेगा। अगर ये इनिशियल वेलोसिटी पहले से भी ज्यादा दी है तो ये और दूर जाके गिरेगा। इसका मतलब है कि है वो फ्री फॉल में ही, ये तमाम केसेस उसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के कंपोनेंट की वजह से वो क्या कर रहा है, वो दूर जाके गिरता है। भाई होता क्या है कि हमारा जो सैटेलाइट है ना, उस सैटेलाइट की जब मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करता हूँ, ये लेट से मैं कहता हूँ कि इस जगह पे कोई सैटेलाइट है और सैटेलाइट की कोई ऑर्बिटल वेलोसिटी है, तो उस ऑर्बिटल वेलोसिटी की मैं बात करूँ तो अगर मैं सैटेलाइट को यहाँ पे रोके रखूँ तो वो नीचे गिरेगा, थोड़ी सी वेलोसिटी दे दूँ तो यहाँ गिरेगा, थोड़ी सी और वेलोसिटी दे दूँ तो यहाँ जाके गिरेगा, और वेलोसिटी दे दूँ तो यहाँ जाके गिरेगा। लेकिन जब मैं इसकी वेलोसिटी इस कदर इंक्रीज कर देता हूँ कि जहां पे इसमें गिरना होता है वहां पे जमीन अपने कर्वेचर की वजह से उस जगह से हट चुकी होती है, ठीक है, दैट मीन अगर ये सरफेस फ्लैट होती तो सैटेलाइट ने इधर जाके गिरना था, लेकिन क्योंकि जमीन कर्व्ड है उस कर्वेचर की वजह से सैटेलाइट हमेशा के लिए गिरता रहता है और हमेशा के लिए घूमता रहता है। तो चूंकि ये एक फ्री फॉलिंग सिस्टम है, इसमें एक्सेलरेशन डाउनवर्ड जी के बराबर होती है और टेंशन की वैल्यू जीरो होती है, इसलिए अंदर मौजूद साइंटिस्ट या ऑपरेटर्स को लग रहा होता है कि वो उड़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनके अपेरेंट वेट की वैल्यू क्या हो चुकी होती है, उनके अपेरेंट वेट की वैल्यू जीरो हो चुकी होती है, ठीक है। सो सैटेलाइट जो जमीन के गिर्द घूम रहा है वो जमीन के फील्ड से बाहर नहीं है, लेकिन अंदर मौजूद साइंटिस्ट क्यों उड़ रहे हैं, इस वजह से कि वो फ्री फॉल सिस्टम के अंदर मौजूद है और फ्री फॉलिंग सिस्टम के अंदर एक्सेलरेशन जी के बराबर होती है, अपेरेंट वेट जीरो और रियल वेट एम जी के बराबर होता है। तो भाई देखो, इस जगह के ऊपर अगर एक सैटेलाइट है तो असल में क्या हो रहा है, असल में ये सैटेलाइट भी नीचे गिर रहा है, अंदर मौजूद चीजें भी नीचे को गिर रही हैं, तो एक दूसरे के हिसाब से लग रहा होता है कि हम शायद उड़ रहे हैं, हालांकि वो दोनों चीजें ही गिर रही होती हैं। तो इसी वजह से सैटेलाइट में रहकर जो कि जमीन के गिर्द घूम रहा है, जमीन की ग्रेविटी फील नहीं होती, हालांकि एक्ट कर रही होती है। अगर सैटेलाइट को रोक दिया जाए तो आपकी बॉडी एकदम से नीचे आके गिरे, ठीक है, उस सैटेलाइट के साथ फर्श पे आ जाए। अच्छा, इसके अलावा हम जमीन के ऊपर रहते हैं तो बताएं जमीन के ऊपर जमीन की ग्रेविटी ज्यादा है या सूरज की, ऑब्वियसली सूरज की ग्रेविटी ज्यादा है, तो हम सूरज की तरफ क्यों नहीं जाते, क्योंकि हम सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, ऑर्बिट कर रहे हैं, हम सूरज के गिर्द फ्री फॉल कर रहे हैं। अब जिस एक्सेलरेशन से जमीन सूरज की तरफ जा रही है उसी एक्सेलरेशन से हम भी सूरज की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जारी बात है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से जमीन क्या कर रही है, वो सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है, लेकिन बहरहाल फ्री फॉलिंग सिस्टम तो है, लेकिन चूंकि हम सूरज के गिर्द फ्री फॉल कर रहे हैं इसलिए हमें वो टेंशन जो अपेरेंट वेट के बराबर है वो जीरो फील होती है,
इसलिए हमें सूरज की तरफ कोई टचिंग फील नहीं होती, हम सिर्फ जमीन के टचिंग फील करते हैं। इसी तरीके से सूरज मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के गिर्द घूम रहा है, तो भाई गैलेक्सी के सेंटर की ग्रेविटी बहुत ज्यादा है सूरज से, लेकिन हम उसे फील नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हम उसके गिर्द घूम रहे हैं। हम पे भी एक्ट कर रही है, सूरज पे भी एक्ट कर रही है, जमीन पे भी एक्ट कर रही है, चांद पे भी एक्ट कर रही है, लेकिन एक्सेलरेशन क्योंकि सेम है तो हमें लग रहा है कि हम शायद उसकी ग्रेविटी फील नहीं कर रहे। तो इसलिए जब भी आप किसी सिस्टम के गिर्द ग्रेविटी की वजह से ऑर्बिटल मोशन में होते हैं तो आपको लगता है कि उसकी ग्रेविटी आप पे एक्ट नहीं कर रही, हालांकि एक्ट कर रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपने लेक्चर को वाइंड अप करना है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। तो किसी लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, जगह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।